हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिक्स प्रो स्कूल। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे आई टू सी के बारे में, आई टू सी कैसे काम करता है, कैसे खराब होता है, खराब हो तो कैसे हम ठीक करें। ठीक है, पूरा डिटेल वीडियो होगा उसके बारे में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और दूसरी एक और इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो भी पर्सन मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं और कहीं जा करके कोर्स करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि किधर जाएं, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि पैसा खराब तो नहीं कर सकते, पैसा और समय। ठीक है, तो एक डेमो क्लास मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ 3 दिसंबर को। तो अगर आप चाहते हो कि ज्वाइन करना, ये बिल्कुल फ्री होगा, निशुल्क होगा। और डेमो ऑर्गेनाइज करने का दो ही रीजन है, एक उनके लिए जो पैसे दे करके कोई कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, एक इनके लिए है, और उनके लिए भी होगा जो सीखना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों के लिए। तो बात यह है कि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता कहीं जाना सीखना, कहीं जाकर के रुकना, या ऑनलाइन भी 7,000 रुपए भी पे नहीं कर सकता, अगर कोई ऐसा सच में पर्सन है तो भी वो आदमी फ्री क्लास ज्वाइन करे एक दिन की। उसमें मैं आपको तरीका बताऊंगा कि अगर आपको फ्री सीखना हो, खुद से सेल्फ लर्निंग करना हो, ठीक है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप खुद सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको खुद पे तो समय देना पड़ेगा, थोड़े एक्सपेरिमेंट करने होंगे, थोड़ी चीजें इधर उधर से सीखनी होगी, ठीक है, जानना होगा चीजों को, नोट्स बनाने होंगे। ठीक है, तो वो सारी चीजों में मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूंगा इस फ्री क्लास में। एक दिन की क्लास होगी, ठीक है, और इसमें लगभग 1 घंटे का टॉपिक होगा और आपकी क्वेश्चनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, हम 3 घंटे भी इसमें दे सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आप इस पे आकर के बिल्कुल ज्वाइन करें, और जो पर्सन इन्वेस्ट कर सकते हैं 7,000 रुपए खुद पे, वो भी इस पे आए, बिल्कुल आए, आपको ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से सिखाते हैं। ठीक है, कितने डिटेल में होता है कि पहले कितना बेसिक चीजें क्लियर करते हैं। काफी जगह तो ये होता है, देखो आप सीखने गए होंगे, हुआ ये होगा कि जो मैं बेसिक्स भी आपको बताऊंगा, हो सकता है वो भी आपको क्लियर ना किया गया हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि 3 दिसंबर को जो डेमो क्लास होगी, इसको डेमो नहीं बोलेंगे, इसको क्लास ही बोलेंगे, ठीक है, फ्री क्लास है ये हमारी। डेमो मतलब कि होता है प्रेजेंटेशन, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि सीखना कैसे। तो इस क्लास में आप बिल्कुल आए, जरूर आए, और 3 दिसंबर को होगी। तो आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो बिल्कुल वीडियो कंटिन्यू करने से पहले नीचे आप ये नंबर पे पहले मैसेज करके अपना नाम लिखा दें ताकि मैं आपको अपडेट कर दूं जब भी ये डेमो होगा। 3 तारीख को तो होगा ही, रात में 9 बजे, ठीक है। तो इससे पहले भी मैं आपको कुछ चीजें अपडेट करता रहूंगा। और तीसरी बात यह है कि तीसरी नहीं दूसरी बात यह है कि ये नंबर जो है मेरा ही है, व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहते हैं कि अगर आपको कोई गाइड करे तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको एक ग्रुप में ऐड करूंगा जिसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको पहले से अच्छी रिपेयरिंग आती है, ठीक है, कुछ मेरे स्टूडेंट्स भी हैं। तो होगा ये कि जहां भी आपको दिक्कत जाएगी फोन रिपेयर करने में, वहां पे आपको लोग गाइड करेंगे, समझाएंगे कुछ चीजें, जैसे मान लो लाइट सेक्शन नहीं बन रहा, आपने सारी चीजें चेक कर ली है तो कैसे रिपेयर करें, ठीक है, तो वहां पे आपको गाइडेंस मिलेगी मेरे स्टूडेंट की तरफ से और भी कुछ लोग हैं उनके तरफ से। और अगर आपको गाइडेंस नहीं मिली तो मैं तो वहां पे रहूंगा, ठीक है। तो ठीक है जी, वीडियो आप कंटिन्यू करें और नीचे दिए नंबर पे संपर्क कर लें अगर आपको ज्वाइन करना हो फ्री क्लास एक दिन की, ठीक है। तो शुरू करते हैं जी, धन्यवाद। कैमरा सब अपना बंद कर देंगे क्या, फिर आप रिकॉर्ड हो जाएंगे इसमें भी। हाँ जी, कौन बोल रहा है पहले बताओ। जीएस भाई, हाँ राहत खान, जी 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 हाँ जी, आई टू सी के बारे में बताओ, क्या पता है इसके बारे में? तो हमने पहली बार सुना। ठीक है, पहली बार सुना है तो फिर आपको बहुत ज़रूरत है कि आप कोर्स ज्वाइन करो, कहीं से भी करो, वहाँ पे बस जो आपके एरिया के पास होगा, क्योंकि इंडिया तो आप अभी नहीं आ सकते तत्काल में या कभी फ्यूचर में, जल्दी नहीं आ सकते, और आपको चाहिए नॉलेज अभी तुरंत। तो आपके आसपास में अगर कहीं पे ऑफलाइन कराते हो और आपको वहाँ जाना हो तो वहाँ का सिलेबस मुझे बता देना क्या होता है, ठीक है। तो अगर वो आपके लिए ठीक होगा तो उसका रिव्यू देख करके मैं आपको बता दूंगा। कहीं भी जाओ पैसे खराब नहीं करने सिर्फ, और प्रॉपर नॉलेज लेनी है। अगर आपको आई टू सी नहीं पता तो ना आप चार्जिंग अभी बना पाओगे, ना ऑडियो, ना कुछ भी नहीं। आई टू सी पता होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आई टू सी उसमें से एक चीज़। ठीक है जी, और कोई? हाँ जी, ठीक है, वही है, बस उतना ही है। हाँ, प्रोटोकॉल वगैरह वही सब ठीक। और कोई? जीएस भाई,
ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, I2C वही होता है जो आपको इन्होंने मंटू भैया ने बताया कि अभी माइक बंद कर लेंगे, फिर मैं बोलूँगा, फिर चालू कर लेना। मतलब कि ये होता है I2C में। हाँ, माइक बंद करो। म्यूट 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 म्यूट, सबको म्यूट। हाँ जी, ठीक, अभी मैं शुरू कर रहा हूँ बताना। देखो, एक होता है हाफ ड्यूप्लेक्स मोड और एक होता है फुल ड्यूप्लेक्स मोड, ठीक है। अब ये हाफ ड्यूप्लेक्स क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स क्या होता है, ये भी मैं बताऊँगा। पहले बेसिक चीज़ बता दूँ, मतलब कि एक तार हो गई, मतलब जहाँ से मास्टर और स्लेव, ये है मास्टर, इसको आप मास्टर बोलोगे, थोड़ा टेक्निकली पढ़ोगे, ठीक है, तो जैसे किताबों में लिखा होता, तो मास्टर, और हम इस फील्ड में पढ़ेंगे तो इसको सीपीयू ही बोल सकते हैं, ठीक है, सीपीयू ही बोलेंगे, या फिर कंट्रोलर, ठीक, सीपीयू, मास्टर, ठीक है, या फिर कंट्रोलर, ये हो गया इसका नाम, और ये हो गया स्लेव। ठीक है, स्लेव माने गुलाम होता है या नौकर होता है, कुछ भी। अब जैसे कि मान लो मैंने मंटू भैया को बोला, मंटू भैया माइक ऑन करो, हेलो बोलो, फिर बंद कर देना, हेलो, ठीक है। एक ही जन को बोला, मंटू भैया, यहाँ पे I2C खराब हो गया हमारा। ठीक है, तो कैसे खराब हुआ, यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, 1 2 3, सैमसंग SM-M317F। भैया कैमरा बंद कर लेंगे, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप भी रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया ये प्रिंट, चलेगा ना, समझ आ रहा है। ये हमारा मास्टर है, ये मास्टर है, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मास्टर या सीपीयू या फिर कंट्रोलर, ये है हमारा, और ये जो स्लेव है, मैंने गुलाम है या जो भी बोलो, ये तो यहाँ पे देख लो, ये मास्टर वन क्यों बोल रहा है, इसको हटा दो अभी के लिए, कन्फ्यूज़ करेगा आपको। आपने इसी को अभी मास्टर समझना है, तो 1 2 3, ये वन, ये मास्टर, यहाँ पे नहीं हट रखना हमको एक्स्ट्रा, हमारे फ़ोन में ऐसा थोड़ी होता है, दूसरी पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न हट गया आपका। ठीक है, यहाँ पे मेन दो लाइन है, ठीक, एक है जिसका नाम है SDA और दूसरी का नाम है SCL। तो SDA जो हमारी लाइन है, वहाँ उसको बोला जाता है, उसका फुल फॉर्म है सीरियल डाटा, ठीक। SCL का फुल फॉर्म है सीरियल क्लॉक, ठीक। तो ये दो लाइन है, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक। तो क्लॉक की लाइन में तो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, 0101 01 वाला, यहाँ पे ये चलता रहता है PWM की तरह। लेकिन SDA भी तो बाइनरी कोड होता है, 1 0 1 0 0 1 0 1, जो भी वहाँ पे कोड होगा वही चलेगा। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, पहले तो ये समझेंगे, उससे भी पहले ये क्या काम करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, ये जानेंगे, बेसिक से चलेंगे तो। क्योंकि मेरे जो टीचर जी हैं, जो मतलब जिनको मैं सच में गुरु मानता हूँ इस फील्ड में अपना, वो हमको ऐसे ही पढ़ा दिए। हम गए, I2C का टॉपिक चालू हुआ, वो सीधा 0 1 क्यों होता है, क्योंकि वो बेसिक से नहीं पढ़ाते, बिगनर्स को तो बिल्कुल नहीं, या फ्रेशर को तो पहले ही टाटा बाय बाय। देखो, ये है I2C प्रोटोकॉल, तो आर्डुइनो का है ये, लेकिन
इससे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। इस पे मैं वापस आऊँगा, इसको एक बार एक नज़र देख लो। SDA SEL, यहाँ पे क्या चल रहा है? SEL में फ्रीक्वेंसी चल रही है 10 10 10 0 10 0 10 0, कॉन्स्टेंट चल रहा है, 0 0 0 नहीं चल रहा, 10 10 10 0 10 0, यहाँ पे अपने आप ही अपनी कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंसी चल रही है, जो गति थी वही। लेकिन SDA में जो डाटा दिया गया है, जैसे कि 10 10 0 0 10 0 1 0 1 0 0 0 0, फिर 1 0 1, फिर 0 0, इस टाइप का यहाँ पे मशीन लैंग्वेज इसकी बाइनरी कोड में दी हुई है, ठीक है? ये डिफरेंस है। अभी आ जाते हैं वापस इसकी वर्किंग में, ठीक है? अभी I2C ख़राब नहीं करना अपने बीच का, इसलिए मंटू भैया अगेन माइक ऑन करके हेलो बोलो और बंद कर देना। हाँ सुन लिए, ये मंटू भैया, ठीक है, और ये हैं JS भाई, ये हमारे हमजा भाई। जी सर। हाँ, तो अभी क्या हुआ, जब मंटू भैया को बोला मंटू भैया माइक ऑन करो, तो उन्होंने किया और हेलो बोल के बंद कर दिए। मतलब यहाँ से मास्टर से सिग्नल आ गया, ठीक है? सिग्नल को जिंदा रखने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? संदीप भैया कौन कर रहा है सिग्नल को जिंदा, कौन रख रहा है ये डाटा को? मंटू भैया नहीं रख रहे जिंदा हमजा भाई मंटू भैया का नाम ले रहे हैं। मैं बोला SDA को जिंदा कौन रखता है, मतलब SDA किसके बदौलत चल रहा है? CPU के बदौलत तो चल रहा है, और ठीक है पुलअप भी यहाँ पे खास काम कर रहा है, एक है हमारा क्लॉक, ठीक है? मैं एक थ्योरी पढ़ा था, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये थी थ्योरी हमारे इसकी, अपने फिलिप्स सेमीकंडक्टर की। उसने कुछ कुछ चीज़ें अच्छी बताया, लेकिन बाद में और रिसर्च हुई तो और क्लियर हुआ, तो हमको उसमें नहीं जाना है। हमको सिर्फ इतना जानना है SDA का मतलब होता है सीरियल क्लॉक, सीरियल डाटा, SCL का मतलब सीरियल क्लॉक। डाटा में 0 1 0 1 0 1, क्लॉक में फ्रीक्वेंसी। देखो अगर क्लॉक नहीं होगा तो डाटा की कोई वैल्यू नहीं है, डाटा रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर क्लॉक नहीं है तो। और अगर डाटा नहीं है क्लॉक है तो क्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है, क्लॉक रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक, इन दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है, यहाँ पे अहमियत है। तो इन दोनों लाइन के बिना आपका I2C प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा। अब I2C प्रोटोकॉल क्या काम करता है ये समझते हैं। जैसे मंटू भैया का एक कोड दे देते हैं 0 0 1 सॉरी 2 कर रहा हूँ 1, JS भाई 1 1 0 0, हमजा भाई हो गए हमारे 0 1 0 1। ये है बाइनरी कोड हमने जो कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता रियलिटी में। बाइनरी कोड जो होता है ये इनबिल्ड होता है हर चिपसेट का अपना, जैसे कि आपकी ऑडियो IC, उसका बाइनरी कोड पहले से, मतलब बाइनरी कोड तो हम बोल रहे हैं, असल में ये जो कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं बहुत धीमे बोल रहा हूँ आज, मतलब बहुत स्लो बोल रहा हूँ ताकि आप इसको लिख सको, और जहाँ पे लिख ना पाओ तो वहाँ पे बोल देना कि रिपीट करने के लिए मैं करा दूंगा। जैसे कि मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ यहाँ पर, बाइनरी कोड है तो बाइनरी कोड, लेकिन टेक्निकली इसको बोला जाता है स्लेव एड्रेस, ठीक? तो ये इसका स्लेव एड्रेस है, जैसे कि मंटू भैया का नाम है मंटू भैया, ठीक? अभी हम इनको मंटू भैया बोल रहे हैं। तो अगर मैं इसकी जगह इनको बोलूँ दिनेश भाई, महेश भाई, तो ये नहीं बोले समझेंगे, सोचेंगे कि ग्रुप में किसी और पर्सन को बोला जा रहा है। या मैं सुरेश भाई बोलूँ तो मंटू भैया हेलो थोड़ी बोलेंगे। तो जो इनका नाम है, एक्चुअल नेम है, वो वही लेना पड़ेगा, ठीक है? वैसा ही होता है कि जब हम कोई IC लगाते हैं, जब हम कोई IC लगाते हैं बोर्ड में, जैसे कि ऑडियो IC खराब हो गई तो कोई और सेम नंबर की ऑडियो IC लगाते हैं, लेकिन उसका सीरियल नंबर जो होता है नीचे वाला, अगर वो ज़रा मिसमैच करे, थोड़ा आगे पीछे का हो, तो इसका मतलब यही है कि उसका स्लेव एड्रेस कुछ और है, इसका कुछ और है। तो बॉल तो सेम होगी, IC का नाम भी सेम है, नंबर भी सेम है, लेकिन उसका सीरियल नंबर सेम नहीं है। तो यही होगा
कि वहाँ का जो स्लेव एड्रेस है वो मिसमैच करेगा, इसलिए लगाने के बाद में भी काम नहीं करता और हो सकता है कि पूरे सर्किट को भी ख़राब करे। वो हर एक चीज़ सेम होगी, वोल्टेज की लाइन, आई टू सी की लाइन, ई एन की लाइन, ठीक है, आउटपुट की लाइन, सब कुछ सेम होगी, लेकिन फिर भी पूरे सर्किट को ख़राब कर सकता है अगर उसका स्लेव एड्रेस कुछ दूसरा हुआ। तो यहाँ पे आपका आई टू सी कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि नया मेंबर कौन आ गया, ठीक है, मास्टर कन्फ्यूज़ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़ूँगा, नहीं तो रिपीट करूँगा। आई टू हाँ, सी के अलावा कौन कौन सी लाइन होगी? आई टू सी के अलावा क्या बोले? इसके अलावा कौन कौन सी लाइन होंगी? नहीं, लाइन तो काफ़ी सारी होती है आई सी में, आई टू सी की बात किया कि आई टू सी की लाइन है, ठीक है, यहाँ पे तो हम आई टू सी पढ़ रहे हैं, तो आई टू सी की जो लाइन होती है तो एस डी ए की लाइन के द्वारा, जैसे कि बात किया जाता है, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, कैसे बात कर रहा हूँ, बोल के बात कर रहा हूँ ना, अगर यही आप चैटिंग में होते तो मैं लिख करके बात करता, ठीक है, तो एक माध्यम होता बात करने का, तो यहाँ पर जो माध्यम है ये एस डी ए है, ठीक है, सीरियल डाटा की लाइन, तो ये जो लाइन है 01 01 01 या जो भी, ये माध्यम है, इससे बात करेगा बाइनरी कोड के द्वारा, ठीक है, तो बाइनरी कोड के द्वारा बात करेगा, भाषा भी बाइनरी है, कोड भी बाइनरी है, सब कुछ बाइनरी, तो नाम भी बाइनरी होगा, हेक्साडेसिमल तो नहीं होगा, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर में इसका नाम होता है, ठीक है। अगर ये नाम मैच नहीं किया, अभी एक चीज़ समझ लो, थोड़ा और अच्छा समझ आएगा, 0 0 1 0 हो गया, सिर्फ एक छोटा सा चेंज, यहाँ तीन नंबर मैच किया 0 0 1 0 0 1, लेकिन आखिरी में 0 हो गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये सीपीयू 1000 बार बोलेगा कि मंटू भाई क्या अपना माइक ऑन करो, लेकिन मंटू भैया यहाँ पे माइक ऑन नहीं करेंगे, अभी मंटू भैया को हटा देते हैं। ये है कैमरा सेक्शन, ठीक है, ये ऑडियो सेक्शन, और ये मान लो लाइट सेक्शन है, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए चल रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना कि ऐसा होता है। तो जैसे मुझे कैमरा चालू करना है, कैमरा के लिए जो स्लेव एड्रेस था कैमरा सेक्शन का, या कैमरा का, कैमरा के अंदर भी एक आईसी होती है छोटी सी, आप खोल कर देखेंगे तो कारस्तानी करना, छोटी सी आईसी होती बिल्कुल आती है। है, तो उस आईसी का अपना खुद का एक स्लेव एड्रेस होता है, लेकिन वहाँ पे अगर कोई सेम मैच करने वाली, सेम पिन वाली कोई दूसरी हम कैमरा लगा देते हैं, ठीक है, मान लो आई टू सी की लाइन भी मैच कर गई उसमें, अगर पिन नंबर 8 और 11 में आई टू सी लगता है, दूसरे किसी कैमरा का भी लगता है, उसको लगा दिए, अगर उसका आई टू सी का स्लेव एड्रेस मैच नहीं किया तो क्या होगा, 0 0 1 1 की जगह 0 0 1 0 हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, सीपीयू बोलेगा कि कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, लेकिन होगा क्या, कैमरा ऑन नहीं होगा, क्योंकि ये सीपीयू क्या बोलेगा, 0 0 1 1, तो ये तो 0 0 1 1 नहीं है, तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, 0 0 1 1 ये भी नहीं है, तो ये भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अभी 0 0 1 1 ये भी नहीं रहा, तो ये भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हो, आपके पास इतनी फैसिलिटी है, इतनी इक्विपमेंट सब कुछ है कि आप मास्टर को प्रोग्राम कर सकते हो, उसके मशीन लैंग्वेज को प्रोग्राम कर सकते हो, तो इसमें आपको डालना पड़ेगा 0 0 1 0 कैमरा के लिए, उसके बाद ये बोलेगा 0 0 1 0 तो कैमरा चालू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको करोड़ों खरबों की संपत्ति चाहिए होगी, ये चीज़ करने के लिए उतने इक्विपमेंट्स बैठाने होंगे, उतनी आपको स्टडी करनी होगी, डायग्राम स्लेव जो राइट किया है उसने, ठीक है, बाइनरी कोड वो सब खरीदना होगा, कंपनी से टाइप करना होगा, सब कुछ करना होगा। आप नया ले लोगे, ठीक है, नया क्या लोगे, क्या चीज़ नया लोगे, फ़ोन नया नहीं लेना है, फ़ोन नया नहीं लेना है आपको, कैमरा सेम नया ले लेना है, ऑडियो खराब हुआ है तो ऑडियो आईसी नई ले लेनी है, सेम है। हाँ, ये हमजा भाई ऐसा बोलना चाह रहे हैं, कस्टमर का फ़ोन अगर ख़राब हुआ तो कस्टमर को मैं ये बोलूँगा कि आप फ़ोन नया ले लो, ये मेरे को दे दो, हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा है, जी सर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो समझ आया आई टू सी का कॉन्सेप्ट, समझ आया कि क्या होता है ये, एक दूसरे से कैसे कमांडिंग करता है, ठीक है। जी सर, और भी कुछ है थ्योरी रिलेटेड बातें तो वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम हाँ, इसकी लाइन को चेक कैसे करेंगे? कौन बोल रहा है?
जी एस भाई, ठीक। लाइन को चेक कैसे करेंगे इसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि चेक कैसे करेंगे। बस इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अभी दो तीन चीज़ के बारे में हमने सुना, SDA, SCL, फिर जो मेन IC होती है, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बात करें तो मेन IC जो होती है, मेन IC को संबोधित किया जाता है मास्टर के नाम से, CPU और कंट्रोलर, ये तीन चीज़ आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो छोटी छोटी आईसियाँ होती है उसको स्लेव नहीं कहा जाता है, ठीक है। स्लेव तो हम टेक्निकली बोल रहे हैं कि डायग्राम जब बनता है कोई चीज़ डिज़ाइन होती है तो वहाँ पे स्लेव लिखा जाता है, स्लेव 1 2 3। लेकिन कभी आपने ऑडियो आईसी में देखा कि स्लेव लिखा हो? मैंने किसी डायग्राम में बहुत पहले देखा था, लेकिन गलती ये कर दिया कि उसको मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। अगर मैं करता ऐसा तो बेनिफिट होता आपके लिए। ट्रिपल 8 कौन है? ठीक, बाद में देखेंगे, अभी हम क्लास में। बोर्नियो में कब से बफरिंग होने लग गई? अरे वाह, वेरी गुड। ठीक, हम कुछ और करते हैं जुगाड़ यहाँ पे। अभी स्कीमेटिक ही देखना है ओनली हमको। सभी यहाँ एक्सपीरियंस वाले भाई बैठे हैं, दिक्कत क्या है? I2C भैया, कोई ऐसा आदमी तो नहीं है कि मैं डायग्राम समझाऊं तो ये भी बताना पड़ेगा कि प्लेसमेंट कहाँ पे, मतलब कि वो कहाँ पे लगा हुआ है? मैं आपको सर्किट बताना चाह रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि कन्फ्यूज़न होगा आपको इससे? बता देंगे, ठीक है, वेरी गुड, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास में बोर्नियो है हमजा भाई? ZXW ले लियो। बहुत ही पुरानी होगी, अब बहुत ही एक्सपायर होने वाली, अब इंशाल्लाह बोर्नियो लेंगे। ठीक है, डिजर्ट के भी ले लो, फ्री दे रहा है अभी 11 दिन के लिए। हाँ, डिजर्ट के जीएस भाई, ठीक है। बोर्नियो वैसे भी मैं कम चलाता हूँ, बहुत कम। ये है DZKJ टूल, ये ले लो, 11 दिन के लिए फ्री मिलेगा आपको, चला कर देखो, ये भी ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। कैमरा CAM, मैंने कैमरा I2C SDA 0, CAM I2C SCL 0। ये 0 का मतलब बाइनरी नंबर नहीं है, ये 0 का मतलब ये है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता क्या है, गिनती 1 से शुरू नहीं होती, 0 से शुरू होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पे मीपी की लाइन है, LAN E 0 0 1, ठीक है, मतलब सिर्फ दो ही लेनी थी, दो ही मीपी की लाइन लेनी थी। इधर भी है क्या? हाँ जी, LAN E 2 3, मतलब कि इसकी जो लाइन है LAN वाली, तो लैन की जो कॉइल है, वो लाइन जो है वो हमको लेनी थी 4 लाइन, लेकिन यहाँ पे 3 में गिनती ख़त्म कर दिया, क्योंकि शुरू हुआ था 0 से, 0 1 2 3, माने 1 2 3 4। ठीक है,
तो स्कीमेटिक में जो गिनती शुरू होती है वो जीरो से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आई टू सी यूज़ किया, यहाँ पे जीरो से किया क्योंकि दूसरे कैमरा के लिए हो सकता है वन ले लेगा, ठीक। तो यहाँ पे जो एस डी ए की जो लाइन है ये 01001 0 वाली लाइन है, और एस सी एल की जो लाइन है ये फ्रिक्वेंसी की लाइन है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और कैमरा का मान लो हमको तो कुछ भी नहीं पता अभी कि इसका स्लेव एड्रेस क्या है, और पता चलेगा भी नहीं, ठीक है। पता चलेगा नहीं कैसे, जैसे कि मान लो मेरे पास सेम मॉडल का कोई है फ़ोन, ठीक है। तो यहाँ पे एस डी ए पे मैं रेफरेंस के लिए चेक करके रख सकता हूँ कि क्या इसका स्लेव एड्रेस आता है, ठीक। मान लो 8 बिट का डाटा है तो 01000010 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 0 ले लो, 8 हो गया, ठीक है। मैंने रेफरेंस के लिए लेके रख लिया, ठीक है। अभी सेम रेडमी 5 है मेरे पास बनने के लिए आया, कैमरा नहीं चल रहा है, मैं एस डी ए की लाइन को चेक किया, ठीक है। एस डी ए में अगर 01001111 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्लेव एड्रेस ही गलत आ रहा है, ठीक है। तो मास्टर कुछ भी बोले स्लेव नहीं सुनता जब तक कि उसका प्रॉपर नाम ना लिया जाए, इतना डिसिप्लिन्ड होता है मास्टर। जब तक प्रॉपर नाम नहीं लेगा स्लेव का तो स्लेव जी सर नहीं बोलेगा कभी भी, कभी नहीं। तो स्लेव एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, इससे अभी आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि आप अभी डीएसओ यूज़ नहीं करते, ठीक है। अभी अगर मास्टर यानी कि सीपीयू ही गलत स्लेव एड्रेस बोलने लग जाए तो आप उसको ठीक भी कैसे करेंगे ये भी अभी आपको नहीं पता, ठीक है। इसलिए ये सारी बातें आपके लिए बेतुकी है अभी के लिए, ठीक है। अपडेट करने के लिए जब मैं क्लासेस लूँगा 3 महीने के बाद या 1 महीने के बाद जब भी, तो उसमें आपको अपडेट किया जाएगा, लेकिन अभी आपके लिए ये कोई काम नहीं आने वाली बात है। तो अभी जो आपके काम आ जाए वो बात करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके हैं, स्लेव वाला, स्लेव मास्टर सबका। तो वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, जो भी मैं अभी तक बताया, इतने बताए हुए में कोई सवाल अगर हो तो पूछो, या इसी से रिलेटेड कुछ और पूछना हो तो भी पूछो, क्योंकि अब मैं दूसरी चीज़ बताने लगा हूँ। बोलो। मतलब अभी कैमरे का जो एसडीएल लाइन है वो एसडीएल लाइन दोनों है, वो जो कैमरा एरर आता है इस वजह से आता है। कैमरा एरर काफ़ी वजह से आता है, ठीक है। कैमरा का एरर काफ़ी सारी चीज़ के कारण आता है, काफ़ी सारी। ये जो मीपी की लाइन है, ये मीपी की लाइन ख़राब हो जाए तो भी आता है, ठीक। कैमरा का एरर, एरर माने क्या, एरर का मतलब यही होता है कि सॉफ्टवेयर के कारण भी आ जाता है कई बार, ठीक है। अगर नया कैमरा डालने के बाद में भी वैसे ही आ रहा है तो मीपी में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए भी आएगा, मीपी में हो सकता है, ठीक। आपका यहाँ पे जो 1.8 की या 2.8 की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज की लाइन होती है, इसमें भी होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग वोल्टेज कैसे चलता है, ये इसका वोल्टेज है, ये अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद में कैमरा के अंदर जो मॉस्फेट लगा होगा, ठीक है, ये उसका ड्रेन हो गया, अंदर का वीडीडी लाइन, एक हो गया उसका सोर्स, ठीक है। तो ड्रेन को अगर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो भी कैमरा एरर आ सकता है, ठीक है। तो 1.8 2.8 जो लाइन होती है इम्पॉर्टेंट होती है। अब आपको ये नहीं पता, यहाँ देखो स्कैप में तो आ रहा है लेकिन यहाँ तक आ रहा है कि नहीं, कैमरा के अंदर जो लगा है मॉस्फेट वो सही है कि नहीं, ये सब कुछ आपको देखना होगा। सब कुछ ओके हो तो फिर आप बोल सकते हो कि सब कुछ ओके है, उसके बाद भी नहीं चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ, डीएसओ के द्वारा आप ये भी देख सकते हो कि मीपी में क्या डाटा आ रहा है, ठीक। लेकिन क्या वो डाटा सही है या गलत है ये आप नहीं जान सकते क्योंकि आपके पास इसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं है कि कितना यहाँ पे डाटा आना चाहिए, कितने बिट का डाटा आना चाहिए और क्या डाटा आना चाहिए, ये आपको नहीं पता अभी। इसलिए तो इसकी प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है अगर आपके पास डीएसओ। हाँ जी, कौन बोल रहे? हाँ ठीक। हाँ, यही तो एक्सपेरिमेंट है। देखो, जो बाकी के इंस्टीट्यूट वाले जो नई नई चीज़ें बताते हैं आपको, उनके वीडियो को देख करके आपको ऐसा लगता है कि कुछ नया बता रहे हैं। हाँ जी हमजा भाई, बढ़िया लग रहे हो। हाँ बढ़िया लग रहे हैं।
कैमरा भी चालू है, कैमरा बंद करो। YouTube पे देख के खुद को खुश हो गए कि मैं YouTube पे आ गया हूँ। सैमसंग वाले भैया आप भी बंद करेंगे, पीछे पंखा चल रहा है, ठंड के मौसम में चला के रखे हो। ठीक है मंटू भैया बोलो। नहीं मैं बोल रहा था ना। हाँ तो बाकी इंस्टीट्यूट वाले जो लेके आते हैं आपके लिए नई नई चीज़ें, वो कैसे लेकर के आते हैं इसी तरह से। तो जितने भी आपको दिखते हैं कि DSO में कुछ नया नया बता रहे हैं, वो ऐसे ही हैं कि रेफरेंस के लिए चेक करते हैं, क्योंकि कोई कंपनी अपने जो डाटा है उसको लीक नहीं करता, छोटे से छोटा डाटा लीक नहीं करता। ये तो रेडमी ने इतना सारा डायग्राम हमको दे दिया है, लेकिन ये भी पूरा का पूरा प्योर प्रॉपर डायग्राम इसको भी मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है जो उसके इंजीनियर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, और ये जो है रिपेयर करने के लिए हमको सिर्फ हिंट मिलती है इसमें थोड़ी बहुत। उस हिंट को लेकर के एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम वेरीफाई होते हैं कि हाँ ये सही है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे डायग्राम भी ऐसे हैं जिसमें कुछ ना कुछ गलती निकल जाती है, क्या करेंगे, लेकिन हम रिपेयर कर रहे हैं। तो रिपेयर करते समय हमको जब लगता है कि इस डायग्राम में कोई गलती है, तो वहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं कि डायग्राम में गलती है कि हमसे गलती हो रही है। तो इसके लिए आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा टॉपिक क्लियर कराया जाता है इतना समय लेकर के कि आप